Welcome to Time News Studios. You are watching 5 PM Bulletin. FBR निहायती एक नाकाम इदारा बन चुका है। FBR अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए सूबों के एडसोर्स पैसे काट लिया करती थी, कोई उसका सरपैर नहीं। एक नोटिस निकाला, उस नोटिस में कहा कि जी हमारे हिसाब से टैक्स आपने 100 रुपये कलेक्ट करना था, हमारा आपने 50 किया, ये 50 हम आपके काट रहे हैं, हम अपने खाते में डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना। एक सूबाई हुकूमत को कहते हैं कि जाओ वो जो असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स है उसको अपील जमा करा। पिछली मीटिंग मुझे कहा गया कि हमारे से क्या वास्ता है, जाए उनसे पैसे नहीं जो पिछली हुकूमत ने काटे थे। ये वजह थी कि मैंने फरवरी में खत्म किया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून कोई जवाब नहीं। ये मुल्क सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला रही, चारों सूबों हम पार्टनर्स हैं मुल्क चला रहे हैं। हमारा प्रपोजल गया हुआ है, जैसे हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विस बढ़ाया है इस तरीके से हम सेल्स टैक्स ऑन गुड्स को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए रिटेल लेवल पे आपकी प्रेजेंस नहीं है, आप नहीं कर सकते कलेक्ट, इस्लामाबाद से बैठे हुए नहीं चला सकते। आप सेल्स टैक्स ऑन गुड्स हमें दें, सूबों को दें, सिंध से शुरू करें, बाकी सूबे ना लें, आप टारगेट सिंध को दें। अगर हम कम कलेक्ट करते हैं हमारे पैसे बाकी टैक्सेस में से काट के आप रखें। सिंध जे वरी वज़ीर FBR खे नाकारा इदारो करार ॾींदे हिकु भेरो ॿीहर शयुनि ते सेल्स टैक्स उघाड़ी जा अख़्तियार सूबाई हुकूमत हवाले करण जो मुतालबो करे छॾियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त FBR जे मौजूदा स्ट्रक्चर में भली टिनि शिफ्टनि में चेयरमैन मुक़ररु कया वञनि, पोइ बि टैक्स उघाड़ी जो हदफ़ पूरो न थींदो। FBR टैक्स उघाड़ी में नाकाम थियण बाद पंहिंजी खोट पूरी करण लाइ सूबनि जे हिसे मां कटौती करे छॾींदो आहे। मुल्क रुगो वफ़ाक़ नथो हलाए, कलाकनि ताईं लोड शेडिंग करे रहियूं आहिनि, पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत जे कंधे जूं बि नथी सुरे। वफ़ाक़ सहस्को ऐं सेपको में कहिड़ा थी रहिया आहिनि जो के इलाइक़े खे हुकूमती तहवील में वठण जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। कराची में टीवी चैनल जे रिपोर्टर सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त कोरोना कंट्रोल थियण वारी ॻाल्हि वक़्त खां अॻु ऐलान आहे। सिंध में ॿियनि सूबनि जी भेट में टेस्टिंग सलाहियत वधीक हुजण बावजूदि सिहत खातो पंहिंजी सलाहियत वधाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। माकड़ जे ख़ात्मे लाइ बि वफ़ाक़ी सरकार संजीदगी जो मुज़ाहिरो न कयो आहे। मान नहीं रहे थे, लेकिन हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है कि कराची में होने वाले PTI के जलसे अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए और उसमें उनके लोग शरीक होते रहे। वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, वो कहें कि उन्होंने कमेटी नहीं बनाई थी, वो कहें कि धरने में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि जलसों में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि MNA के घर पर दावतें नहीं हुई थी। जिन दावतों में, जिन खानों में, जिन मीटिंग्स में अली जैदी भी मौजूद होता था, इमरान इसमाइल भी मौजूद होता था और हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अली साहब भी मौजूद होते थे। फहमीदा मिर्जा साहिबा को सिंध दुश्मनी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो सिंध से मुंतखब होकर वजारत में बैठी हैं, उनको वो बात करनी चाहिए जो सूबा सिंध के हक में है। लेकिन मोहतरमा बात वो कर रही हैं जो सूबा सिंध के लोगों के हुकूक के खिलाफ है। शेख हबीब जान नओं इंकिशाफ़ कयो आहे त 2011 में हबीब जान ऐं लंडन में PTI जी हिकु औरत जे मोबाइल फ़ोन ज़रिए ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ऐं इमरान ख़ान में राब्तो थियो हो। उन खां पोइ अमून कमेटी PTI जी सपोर्ट कंदी रही। सूबाई वज़ीर सईद घनी चयो आहे त मुतहदा तरफ़ां PTI ते पाबंदी लॻाइण बाद इमरान ख़ान अमून कमेटी जी हिमायत खां सवाइ कराची न अची सघे हा। साबित थी वियो त अमून कमेटी ऐं PTI में राब्ता हूंदा हुआ। PTI जा अॻवान उज़ैर बलोच खे दावतूं बि ॾींदा रहिया। PTI वारनि अञा ताईं जवाबु न ॾिनो आहे त CVU ते सिंधन धरणे में अमून कमेटी जा कारकुन छो मौजूदु हूंदा हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सईद घनी चयो त डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा संदसि ख़िलाफ़ सिंध असेंबली जे स्पीकर खे ख़त लिखी सिंध दुश्मनी जो सबूत ॾिनो आहे। खेसि सिंध जा हक़ फवाईंदड़ PTI जी हिमायत बदिरां सूबे जे हक़नि जी ॻाल्हि करणु घुरिजे। पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन ले। मिस्टर 10% और 90% के बीच में जो लोग चल रहे हैं, हर किसी ने अपनी परसेंटेज मुकर्रर कर ली। सिंध गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है। वो कौन अफसरान थे जो मुलविस थे मलिक रियाज को ज़मीन देने पे? वो कौन सा वजीर था जिसने मलिक रियाज को ज़मीन दी कौड़ियों के दाम? किसके कहने पे दी? क्या वो ताने बाने जो जरदारी फैमिली पे GIT बनी है उसमें नहीं है? उन अफसरान के बारे में नैब सिंध को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और मेरे लिहाज से तो मलिक रियाज पे भी लेना चाहिए। सिंध हुकूमत जो है जालिम हुकूमत है, पूरे सिंध को इसने तबाह किया है। आज के दौर में उनके पास कोई उजैर बलोच नहीं है, वरना अभी तक इनका तिया पांचा हो चुका होता, शहीद कराए होते, यहाँ मौजूद नहीं होते। ऑडिटर जनरल खां बिल पास थियण ताईं सिंध हुकूमत जी हर खाते में करप्शन थी रही है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर पीपी हुकूमत खिलाफ़ नैब में शिकायत दाख़िल करण जो ऐलान करे छॾियो। फिरदौस शबीम नकवी चयो आहे त मलिक रियाज़ खे भुगड़न मुठ ते ज़मीन विकिरो करण जा पेरा ज़रदारी कुटुंब ते ठहियल GIT ॾांहुं वञी रहिया आहिनि। नैब खे उन्हनि ऑफिसर्स ऐं वज़ीर सूदो मलिक रियाज़ ख़िलाफ़ एक्शन खणणु घुरिजे। मिस्टर 10 खां 90% जे विच में मौजूदु हर माण्हू करप्शन लाइ परसेंटेज मुक़ररु कई आहे। ज़ालिम हुकूमत सिंध खे तबाह करे छॾियो आहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान फिरदौस शमीम नकवी चयो त हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत जो ख़ासि दुश्मन बणिजी वियो आहे। हुकूमत वटि हिकु ॿियो उज़ैर बलोच हुजे हा त हलीम आदिल खे शहीद करे छॾीनि हा। नैब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे। एंटी करप्शन आप सब जानते हैं किसके कंट्रोल। एंटी करप्शन ने एक बहुत बड़ा फलंदा मेरे खिलाफ इल्जाम का बनाया, हलीम आदिल को सुल्ताना डाकू बनाया, फूलन देवी के कहने पे सुल्ताना डाकू बना दिया मुझसे। फिशरीज में 25% कमीशन पर करप्शन में छुटा था, आज 100% करप्शन हो रही है। पिछले दिनों सैकड़ों लीजेज माइंस में, ठट्ठा में, जामशोरो में दी गई हैं और एक एक लीज होल्डर से 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं। हम भी नैब में इंशाल्लाह सबकी कंप्लेंट करेंगे। मलीर में जो कुछ हुआ, एक जुडिशल इंक्वायरी बेशक बड़े लेवल के ऊपर GIT बन जाए, जजिस की सरबराही में। मलीर को बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरुआत मुझसे कीजिए। उसके बाद जो हज़ारहा एकड़ मलीर में बांटी गई कौड़ियों के दामों, जाली तरीके से। एंटी करप्शन फूलन देवी जी चवण ते मूंखे सुल्ताना डाकू बणाए छॾियो। पीपल्स पार्टी पंहिंजे माण्हू ज़रिए नैब में शिकायत कराई आहे। नैब नोटिस जारी कयो त ज़रूरु पेश थींदुसि। PTI MP हलीम आदिल शेख मलीर में सरकारी ज़मीनुनि ते गैर कानूनी कब्ज़नि जी अदालती जांच कराइण जो मुतालबो कंदे चयो आहे त हू नैब में शिकायत कंदो त जामशोरो ऐं ठठो में माइंस लाइ लीज़ ते ज़मीन ॾेई हिकु माण्हू खां 20-20 लख रुपया रिश्वत वरिती वई। निसार बुराई खां पोइ फिशरीज़ खाते में 100% करप्शन थी वई आहे। इन मामले की बि जांच कराई वञे। हलीम आदिल शेख पंहिंजी करप्शन जो एतराफ़ कंदे चयो आहे त मलीर में ॿियनि बि बेज़ाब्तियूं कयूं आहिनि। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो आहे त नैब पहिरीं करप्शन जो एतराफ़ कंदड़नि ख़िलाफ़ हरकत में अचे। हलीम आदिल शेख ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में अॻे जांच हलंदड़ आहे। सूबाई वज़ीर सईद घनी चयो आहे त लॻे थो नैब हलीम आदिल शेख खे क्लीन चिट ॾियण लाइ ज़मीननि ते कब्ज़े वारो मामिलो उथारियो आहे। नैब हेल ताईं तहरीक इंसाफ़ जी कंहिं बि अॻवान ख़िलाफ़ कार्रवाई न कई आहे। सिंध में कातिल वायरस कोरोना वधीक 48 माण्हुनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। 1713 नवां केस साम्हूं अची विया। सूबे में कोरोना सबबि फौत थियलनि जो अंग 1795, मुतासिरनि जो अंग 1,05,533 थी वियो। कराची में 715, खैरपुर में 172, लाड़काने में 62, शिकारपुर में 59, मटियारी में 55, मिरप्रखास में 46, घोटकी में 41, सांगड़ में 35, दादू और कंबर में 32, टंडो मोहम्मद खान में 31, ठठो में 27 केस ज़ाहिर। जामशोरो में 26, हैदराबाद में 24, टंडो हयार में 21, जेकबाद में 19, बदीन में 18, कश्मोर में 14, उमरकोट में 11, शहीद बनज़ीराबाद में 10, सक्खर और नौशरा फिरोज में 7 और सजावल में 92 केस सामू आया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तालीम खाते में भर्तियों करण लाइ कम शुरू। तालीम खाते समूरन जिलनि की इंसानिया के 1 खां 20 ग्रेड ताईं खाली पियल जायनि जा तफ़सील तलब करे वरिता। जारी थियल लेटर में समूरन जिलनि की इंसानिया के हिदायत कई वही है त टीचिंग ऐं नॉन टीचिंग स्टाफ में खाली पियल जायनि जा तफ़सील 1 हफ़्ते अंदर पेश कया वञनि त जीअं भर्तियुनि वारे मामले के अॻिते वधाए सघिजे। कणक की चुरपुर से पाबंदी बावजूद टंगवाणी का कंटेनर जरिए हज़ारें मण कणक पंजाब मुंतकिल करण की कोशिश नाकाम। टंगवाणी लाड़े वट पुलिस कार्रवाई कंदे कंटेनर तहवील में वठी छड़िया। कणक से भरल कंटेनर छड़ाइण लाइ वापार ने पुलिस में डीलिंग की कोशिशों का इतला। कानून जी अमलदारी लाइ क़ाइम पुलिस पाण ई कानून जा बख्या उरेड़े छॾिया। वघर थाणे जो SHO ऐं संदसि साथी माउ पुट जे खून मां जरगे ज़रिए पाण खे आजो कराया विया। लाड़काणो में मंसूर चोलियाणी जी सरपंची हेठि 6 साल अॻु पुलिस जी फायरिंग में मारिजी वियल औरत मुस्मात लक्ष्मा खातून ऐं संदसि पुट चाकर सोलंगी जे खून जो जरगो SHO इस्लाम चांडियो ऐं संदसि साथियुनि मथां ॾोह साबित थियण ते 75 लख रुपया दंड लॻायो वियो। जरगे जी सरपंच फतवा जारी कंदे चयो त पुलिस एहलकार मुतासिर धुर खे किस्तनि ते दंड जी रक़म अदा कंदा। फतवा जारी थियण बाद धुरियूं खीर खनि। लालू रांक में पुलिस जी फायरिंग दौरान माउ पुट मारिजी वञण वारे वाक़े जो केस 6 सालनि खां अदालत में भलंदड़ आहे। बख्शियापुर भरसा बरगाणी लिंक रोड से के बच्चा बंज मरम्मती कम लाए पत्थर खणी वेंदड़ डंपर ड्राइवर ए क्लीनर अगवा। धाड़ेल डेरा गासी खान वासी ड्राइवर सलीमुल्ला ए क्लीनर फुरकान पठान के कच्चे में खणी विया। मियाणी ए बख्शियापुर थाने की पुलिस ने हद जो तकरार। पुलिस फौजियतन के धाड़ेलन के चंबे में छडाइण में नाकाम। बरगाणी पुलिस सुंदराणी पतन ताईं धाड़ेलन जा पेरा खणी वापस। DSP मियाणी चयो आहे त सुंदराणी पतन का अगते बख्शियापुर थाने की हद अचे थी, तंहिं करे हू कार्रवाई नथा करे सघनि। हैदराबाद के इलाके हुसली में नौजवान जलालदीन टेंगड़ी जो फसल में कुहानी लगल लाश हथ। वारसन पारा मकतूल जो लाश रखी धरणो। शक के बुनियाद से 2 जणनि के गिरफ्तार किया वो। पुलिस जो चवण है तो वाक़ियो कारे मामले जो नतीजो लगी रो है। मटियारी में पुलिस खिलाफ धरणो हणने से CIA पुलिस 80 जणनि खिलाफ केस दाखिल करे छो। केस मजिदाना बिरादरी के 20 औरतुनि और 20 मर्दनि समेत नामालूम माण्हुनि खिलाफ दाखिल किया वो। गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस जी चढ़ाई खां पोइ ॻोठाणनि पारां क़ौमी शारा ते धरणो हयो वियो हो। कराची जे इलाइक़े उरंगी टाउन में हथियार बंदनि फायरिंग करे 1 ॼणे खे क़त्ल करे छॾियो। मक़तूल जी सुञाणप 30 वरनि जे उस्मान तौर थी। पुलिस पारां जांच शुरू। कराची के इलाके नादरन बाईपास से कस्टम अमलदारन गाड़ी के रोकण की कोशिश दौरान फायरिंग करे 1 शहरी के जख्मी करे छो। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस फायरिंग कंदड़ 3 कस्टम एहलकारन के गिरफ्तार करे वरतो। ज़रिए जो चवण है तो स्मगलिंग की शक सबब कस्टम की टीम गाड़ी के रोकण की कोशिश कई, न बीहण से एहलकारन फायरिंग कई। लाड़काणी खान के मेडिकल सेंटर से डॉक्टरानी की मुबैना गफलत सबब डिलीवरी का औरत अरबेली फौत। वारसन एहतजाज कदे है तो गुज़र रात देर से अरबेली जो कामयाब ऑपरेशन थो, जैंखा फौत थी वही पर डॉक्टरानी के न बुधायो। एहतजाज करण से खेन औरत जो लाश न वो। मामले की जांच कराए इंसाफ कयो वने। जेकबाद में तस्दीक जो निशानो बणायल नौजवान मोहम्मद अली पंवर जो जवाबदार अली नवाज़ पंवर की गिरफ्तारी लाइ पीरसन मां पीउ सां गॾिजी पाक किताब खणी एहतजाज। मुतासिर धुर जो चवण है तो पुलिस बासर जवाबदारन में हथ न विझी रही है। पुलिस जो चवण है तो जवाबदारन की गिरफ्तारी लाइ चढ़ाई कई पर अॻु फरार थी विया। छापन जो सिलसिलो जारी है। रतो देरो में मुबैना गुम थियल नारी कुलसूम के वारसन जो संदसि मुड़ुस नारी के गुम करण जो इल्ज़ाम। नारी के माँ पीउ और भाउ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त कुलसूम की अयाज सोलंकी से शादी थियल है, जैं बी शादी करण लाइ न्याणी के कैद करण की धमकी दिनी हुई। न्याणी की हयाती के खतरो है। अख्तियारी नोटिस वठी केस बाजियाब कराई। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़नि में ज़रई ऐं पीअण जे पानी की संगीन खोज ख़त्म न थियण ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज बणियल। सकरन पीर वतन रानीपुर वाही पांदी मलकानी शरीफ ऐं छाछरो में धरना। पब्लिक हेल्थ खाते ऐं आपाशी अमलदारनि ते पानी विकिरो करण जा इल्ज़ाम। अख़्तियारियुनि खां नोटिस वठण जो मुतालबो। कोरोना बच्चन खानदान के पैंजे वकड़ में आने छो। लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन और संदसि पुट अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय भी कोरोना के शिकार। संदसि धीउ आराध्या की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव अची वही। अस्सलाम वालेकुम नासरीन, टाइम न्यूज़ अगर माहिया शाहिद सयाल है। टाइम हमारे टू बुलेटिन की शुरुआत में नासी शॉर्ट ब्रेक।